परेल 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 आजा भाई परेल 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 चेन्नई में जिंदगी की तलाश में जो भी आते हैं उनका यही हाल होता है। ए, वो कह रहे ना जगह क्यों मैडम? परेल जाना है क्या? बोलिए ना मैडम। आप अंदर बैठिए। अंदर बैठिए मैडम। जरा ठीक से बैठा। जरा आप अंदर बैठिए ना। ए, आराम से चलिए। अरे भाई लेडीज है भाई। हाँ मैडम आ जाओ अंदर जरा खिसक के बैठिएगा मैडम। काफी अच्छी दिख रही है। हाँ कहाँ से लिया? ऑफिस जाओगे तो ऐसी हजारों लड़कियां दिखती हैं, उन्हें बुला कर आगे बिठा सकते थे। कहाँ जाना है? औशरतम देखो भाई फिक्स रेट है 20 रुपया, उतरने के बाद 15 रुपया, ऐसा मत बोलना। लगता है ये ऐसे ही यहाँ छीलता रहता होगा, मगर मैं तो गांव में अलग तरीके से रहता था। अब मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए क्या? तो मेहनत करके खून क्यों जला रहा है? मेरे ऊपर कोई एहसान किया है क्या? क्यों बेटा, थोड़ी मदद कर दो, छोटा मोटा काम तो कर ही सकते हो ना। रिमोट नया लेना है। इतनी लंबी लंबी टांगे है ना, पैर से ही चैनल चेंज कर। शिवगामी पता नहीं क्या समझता है खुद को, मुझे ही गाली देते। परदेश में आया है पॉलिटिक्स करने, चल जाए। पापा शहर में जाओगे तो नया रिमोट लेकर आना। हाँ ठीक है बेटा। ए तेरा दोस्त आया है देख ले। अरे पापा मैं शहर जा रहा हूँ तो मैं ही ले लूंगा, 200 रुपये दे दीजिए। ये लीजिए पापा। अबे रुकना आ रहा हूँ यार। क्यों बे आ रहा हूँ ये दिख नहीं रहा है क्या? फिर क्यों बार बार हॉर्न बजाते रहता है? क्या करूँ यार, लड़के लोग फोन कर रहे हैं। मेरा अपना एक बट था, मैं हूँ तो मेरे दम पे मेरे फ्रेंड्स चढ़कर बोलते थे, झगड़ा होगा तो मैं उन्हें मारने के लिए चला जाता था। मेरे सामने कोई भी गलत बात बोलता तो उसके मैं खाल खींच लेता। सीने में अगर तुम हो तो जुनून और हिम्मत दोनों एक साथ ही आती हैं, और मेरे अंदर तो पहले से ही मौजूद हैं। साइन करके अंदर जाओ श्रवण। हाँ मुझे छोड़ के यहाँ पे कोई और आता है क्या? बात तो सही है, लेकिन अगर तुमने साइन नहीं की तो ऐसा लगेगा कि यहाँ कम लोग आते हैं और लाइब्रेरी बंद हो जाएगी, फिर चलेगा क्या? अच्छा वो सस्पेंस थ्रिलर बुक का दूसरा पार्ट आया क्या? अभी 2 दिन और लगेगा। लाइब्रेरियन साइकोलॉजी, लाइब्रेरियन नाम की एक चुनी हुई किताब को किसी दूसरे रैक में रख दीजिए, उसके बाद लाइब्रेरी वाले को बुलाकर उस बुक को ढूंढने के लिए कहिए। हाँ सर मैंने किताब निकाल कर दूसरे रैक में रखी हुई है। अरे तो अभी काम कर रहा भाई। अरे चलिए ना सर। कहाँ है, मिल नहीं रही। वो बुक जहाँ पर रखी हुई थी कहाँ पे रखी? आप उसी रूम में ही देखेंगे, आपका हाथ कभी दूसरी जगह पर जाएगा ही नहीं। हंस क्यों रहे हो? एक मिनट हाँ ये पढ़िए सर। वैसे तुम्हें क्यूरियोसिटी ज्यादा है यार। क्या मतलब? चर्बी है? अमा चर्बी नहीं यार, जुनून, जुनून की बात कर रहा हूं मैं। जो क्यूरियोसिटी यानी जुनून तुम में है वो बहुत ही खतरनाक है। अरे पापा टेंशन क्यों ले रहे हो, सब लोग तो पीते ही है ना। ठीक है कैसा लगता है पीकर देख रहा हूं। अच्छा लगेगा तो पीता रहूंगा ऐसा सोच रहा हूं। तेरी जिंदगी तेरे ही हाथ में है बेटा। थोड़ी सी गलत आदतें हैं
उसे हम छोड़ देंगे सोचे तो भी वो हम नहीं छोड़ पाते। आठवीं तक पढ़ाई करके मैं कूद गया, कम से कम दसवीं तक तो मैं पढ़ ही सकता था, लेकिन लड़कों को कुछ काम करने को कहूं तो उल्टा वो सारे लड़के मेरे घर में आकर खड़े हो जाते हैं। क्यों बेटा, अगर इतना ध्यान पढ़ाई में लगाते तो अच्छा होता ना। जो करना है वही तो पढ़ाई होती है ना माँ, और जो करना है वो कितने सालों तक भी पढ़ सकते हैं। वो छोड़ो, वहाँ बिना मतलब का क्या क्या सिखाते रहते हैं, और उसे याद करके एग्जाम में लिखने को भी कहते रहते हैं। क्यों बे? हाँ भाई। हे, ये देख कार के डोर को कैसे ओपन कर रहा है, दिखा। देख तू बेवजह में ये सब कर रहा है, भाई समझाना इसे। अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यार, तुझे वीडियो दिखाया था ना। ए श्रवण, श्रवण या श्रवण, अरे श्रवण चाहिए यार। पापा, गांव के लड़कों के साथ मिलकर देखिए ये क्या कर रहा है। सुनो, तुम चुप रहो, वो लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ऐसा ही बोल बोल कर बिगाड़ो उसे, घर में ही कहाँ रहता है। आप भी क्या बातें करते रहते हो। कुछ बोलते क्यों नहीं इसे, घर में क्या चीजें हैं ये तो पता नहीं, लेकिन गांव वालों की फिक्र। थोड़ा सुरवा डालो। ये बात सही है बेटा, बाप से पहले जैसा काम नहीं होता है, तबीयत ठीक नहीं रहती, सोच लो। सेंटिमेंट के हिसाब से क्या क्या बोलकर मुझे चेन्नई भेज दिया, यहां आकर मुझे एक साल हो गया। बहुत सारा काम बदला, लेकिन कहीं पर भी सेट नहीं हो पाया। कहीं भी जाओ तो ये नीला ड्रेस ही देते थे, बिना बादल के आसमान की तरह। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ, मैं और मशीन दोनों आपस में बातें करते थे। यहां पर इतनी ज्यादा भीड़, उसे छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। खाना खाकर थाली उठाकर नहीं रखने वाला मैं, जूस बनाने का काम मिला। अनार काटते समय अपनी उंगली काट ली, लेकिन जो चीज नहीं जानता उस चीज के बारे में जानना मुझे बहुत पसंद है। अगले दो ही दिनों में चाकू और फलों को काटना मेरी आदत हो गई। मुझे दूसरा काम करने के लिए बोलने वाला और गांव ना जाने के लिए फोर्स करने वाला, वहां पर जो चाय ठंडा कर रहा है ना, वो मेरा दोस्त मणि है, और सामने वाली दुकान में काम करने वाली आनंदी, बस ये दोनों ही मेरे हैं। हाँ कहिए, क्या क्या चाहिए भैया? फल अच्छे हैं ना? सारे फल अच्छे हैं। हाँ ठीक है, आइए सर। श्रवण, एक वाटरमेलन जूस। हाँ ठीक है, और रेट भी सही लगाना। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, 120 रुपये दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया, चलता हूँ। हाँ ठीक है सर। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ श्रवण, ये देख। अरे कितना फोन करता है यार, तभी वो वही बोलने वाला है, दो दिन से बात नहीं किया ना। अरे ये देखना, नैनतारा के बारे में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। तेरे दांत तोड़ता हूँ अभी। ए, क्या यार, ऑटो वाले ने सामने बैठा दिया तो बड़बड़ा रहा है तू बैठकर। अबे वो दूसरी है, ये मेरी आइटम है। सब लड़कियां ही है ना। अबे लाइन मारना और प्यार करना दोनों अलग बातें होती हैं, पता नहीं कब समझेगा। कैसे भी करके बोल दे कि मुझे समझ में नहीं आता, तू समझाएगा तब तो समझूंगा। भैया एक चाय देना। जा, तुझे समझाने वाला आ गया, जा। दो महीने पहले तक तो मैंने यकीन नहीं किया कि वो मुझसे प्यार करेगी। उससे बात करने में भी मैं बहुत झिझकता था, क्योंकि उसकी आंखें ही वैसी थी।
भैया मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे एक आदमी फॉलो करता है। क्यों, मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं तुझसे पूछ कर जाऊँ क्या? बस करो, मुझे सब पता है कि तुम मुझे फॉलो करते रहते हो। नहीं नहीं, तुम्हें देखने के लिए आता हूँ। क्यों बे, ऐसा क्यों बोला? अबे छोड़ बे, उसको पता ना मैं उसको देखता हूँ, अब उसे पसंद हो या नहीं है उसकी मर्जी। अच्छे से संभाल लेते हो। हे, क्या हुआ, दुकान में आकर रॉब झाड़ रही हो? तुझे क्या लगता है, तू बहुत खूबसूरत है क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। मैंने ऐसा कब कहा? वो तो तुम मुझे ऐसे देखते हो ना। क्या हुआ? ए, कोई एक चैनल रखना, रिमोट भी तेरे हाथ में रोता होगा। क्या क्या देखता रहता है, कुछ समझ भी नहीं आता। ये टीवी वाले क्या क्या दिखा रहे हैं और तू भी क्या क्या देख रहा है, हट तेरी तो। ए, हम लोग जो नहीं समझते ना उसे देखने के लिए टीवी होता है। अच्छा, तो ये मैटर है। हा? क्या है तेरे लिए टीवी? 10 बजे के बाद कैसा कैसा प्रोग्राम दिखाते हैं, और तू एक ऐसा आदमी जो सारे चैनल समझता है, क्या आदमी है। बैठ जा। शुरू कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, पहले जो यहाँ पर रहते थे ना इस रूम में, अब हम लोग नए रहने के लिए आए हैं, समझा? जहाँ ज्यादा यूज नहीं किया वहाँ हाथ डालकर देखो ना, तो पुरानी कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीजें मिलने की उम्मीद होती है। ऐतिहासिक बोले तो? ऐतिहासिक बोले तो पुराने जमाने की एक कॉइन ही समझ ले। इसके बारे में अब तक चैनल में बता रहा था क्या? फिर भी टीवी पर हम लोग जब से आए हैं वो तो वहीं पर है ना। हाँ, उसके नीचे हाथ डालकर देख, कुछ मिल सकता है। ए, अच्छे से झुक कर ढूंढना। अरे कुछ नहीं है यार, वहाँ कुछ भी नहीं है यार, पेट में दर्द हो गया मेरे तो, अभी कुछ भी ढूंढवाता रहता है। दो बातें हैं मणि, पहली ये बात पिछले हफ्ते में भी टीवी पर आई थी, तब टीवी स्टैंड के नीचे हाथ डाला था, तब एक पुराने जमाने का कॉइन मिला था। पीठ दर्द हो रहा है क्या? तब तो तुझे इस तरह के प्रोग्राम देखने चाहिए। ये ले। क्यों भैया, आते वक्त दो आदमी को साथ में ला सकते थे ना? सो गए थे क्या? मैंने डिस्टर्ब नहीं किया ना? नहीं कोई बात नहीं। मणि नहीं है क्या? हाँ अभी बुलाता हूँ दीदी। ओनर दीदी आई है अभी। हाँ, ओनर दीदी बुला रही है। मणि, कबाट का ऑर्डर किया था, अगर उन लोगों के साथ मिलकर थोड़ा लाकर देते तो। हाँ ठीक है दीदी। इब्राहिम है क्या? देखो तो जरा, उसकी नाइट शिफ्ट है लगता है। हाँ। घर में ताला लगा है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है। हाँ आराम से, आराम से, आराम से। हेलो, चल। हाँ मोहन भाई, अरे सुबह मैं 9 बजे चला जाता हूँ, क्या न्यूज़ में देखा? वही तो। अरे मैडम ऊपर जाना है, थोड़ी तो जगह दे दो, जल्दी करो ना मैडम। ओके। क्यों सतीश, बहुत बिजी लग रहे हो। अरे तो रुक यार, आगे कुछ लोग सामान लेके जा रहे हैं ना, तो जगह होनी चाहिए ना। हाँ उधर जाके मैं तुझे फोन करता हूँ फिर से, लेकिन तू तब तक ध्यान रख, समझा ना। इधर इस तरफ। और सुन, जो मैंने तुझे कल बोला था ना वो भूलना मत, उससे वो सारी चीजें मंगवा लेना, समझ रहे ना तू? हाँ चल। अच्छा हुआ लेट आया, नहीं तो ये लोग मुझे भी उठाने में लगा देते हैं। क्यों भैया इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर कोई अच्छा चैनल आए तो लगे कि पैसे वसूल हो रहे हैं। क्या करें दीदी, लोकल चैनल ही है ना। रुक रुक आती हूं। वक्त डांटती रहती है। वहां भगवान की फोटो के पास रख दीजिए। हां थोड़ा ऐसे घुमा के रख दो। हां आराम से घुमा कर रख दूं क्या दीदी? नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसे दहेज में ही तो देना है।
ठीक है, थोड़ा सा हटा कर रखते हैं। आप लोग 100 रुपए रख लीजिए। थैंक यू, चलो चलते हैं। अरे रुको रुको सतीश, तुम वही दीदी, धीरे धीरे लोकल चैनल ही बड़ा चैनल बनता है। अरे नहीं, वो बात नहीं, ऊपर जाकर शांति दीदी से बोलो मैंने बुलाया है। चैनल बदलू या ना बदलू, लेकिन पहले ये घर बदलना पड़ेगा। हमेशा उसे फौरन बुलाओ। हाँ देखो अभी भी बोले जा रही है। हे, हम लोगों को भी कुछ पैसे देगी क्या? चुप ना यार। छोटे तुम लोग। दीदी हमें कुछ नहीं चाहिए। दीदी खाना खाए क्या? खा लिया। वही पूछने के लिए आई थी, इन लोगों ने सोचा हम पैसे देंगे। ये तो घर के बच्चे हैं, इन्हें कैसे पैसे दे सकती हूँ। अच्छा लगता है क्या? ठीक कहा ना छोटे। ठीक है दीदी, तो हम लोग चलते हैं। हाँ आती हूँ। लक्ष्मी। हाँ क्या है जी? क्या है जी? अरे उतारने वालों को दुकानदारी पैसा देता है, तुमने क्यों दिए? वो हमारा काम नहीं है, बोलकर चले जाते तो। दोनों को मिलाकर बस 200 रुपये ही तो दिए हैं उन्हें। पैसों से भी जरूरी है ये देखना कि कौन मदद करता है। पैसे दिए बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है मैनू, मैंने बोला था उसे आने के लिए, आया ही नहीं अभी तक। ए ज़्यादा मत पीस भाई, ऑनर सामने खड़ा है, उसके जाने के बाद जाना। 2 ग्लास जूस और देना भाई। हाँ ठीक है। ए मणि, दुकान में आके कोई भी बिना मतलब का बात करे ना तो मुझे तुरंत फोन करना, समझे? हाँ ठीक है। उससे भी बोल दो मैं आता हूँ। ए क्या कहा, सुना नहीं क्या अभी? हाँ तू देखना। ए ए आनंदी, वोडाफोन का फुल टॉक टाइम कितने का है? 120। क्या हुआ, दुकान 2 दिनों से बंद था, नंबर बदल दिया क्या अपना? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। कल मेरी एंगेजमेंट थी। मजबूर किया गया तुम्हें? तुम्हें कैसे बताऊं? अब बोलने को रहा क्या? इतने दिनों तक हम लोग घूमे फिरे एक फ्रेंड की तरह क्या? मेरे मामा के रिश्तेदार को गांव में गवर्नमेंट टीचर का काम मिला है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये बिल्कुल सच है, लेकिन जब मैंने बैठकर सोचा तो मुझे ऐसा लगा मैं बहुत गलत कर रही हूँ। तुमने आज तक 50 रुपए का भी रिचार्ज किया है क्या? तुम क्या काम करते हो वो सोच कर देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा। मैं क्या काम करता हूँ ये तुम्हें घूमते समय पता नहीं चला? कस्टमर्स आने वाले हैं, तुम यहाँ खड़े रह के मुझे परेशान करना चाहते हो तो खड़े रहो। क्या बे, मैं यहाँ हूँ फिर भी तुझे ढूंढने में इतना टाइम लग गया? जैसे तू निकला था मैं समझ गया था यही मिलेगा, लेकिन सुबह से रात तक यही रहेगा ये नहीं सोचा था। ए छोटे इधर। हाँ बोलिए सर। क्वार्टर, 4 पानी का पैकेट और 1 गिलास। भाई और 50 रुपया लगेगा। ये ले। 1 घंटे पहले दुकान बंद करके आ गया। 8 बजे आया है तू, जल्दी आ गया। ए, काम जरूरी है भाई, खाना नहीं खाने का है क्या? मुझे काम वाम नहीं करना है, मैं गांव चला जाऊंगा ऐसा सोच रहा हूँ। पागल हो गया क्या? अबे तुझे क्या यार, घर में पानी छिड़क कर भेज दिया, मगर मेरा ऐसा नहीं है, जो भी कमाता हूँ घर में देना पड़ता है। सुबह से रात 9 बजे तक कमाई करनी पड़ती है, बाद में हाथ में 1 पैसा बचता नहीं है। मुझसे सवाल पूछ रही थी, 50 रुपए का कभी तूने रिचार्ज करवाया है क्या? कितना खर्चा किया होगा मैंने? सब उधार लेकर ही किया ना। क्या? कुछ नहीं। मैंने सुना तूने जो बोला वो बोली, वो भी सही है रे, उसी तरह मैं अभी भी हूँ। पैसे वालों को देखता हूँ तो मुझे जलन होती है। इंसान में सबसे गंदा रोग होता है अय्याशी, वो अभी मुझे हो गया है। अब जो कुछ भी होगा वो गलत ही होगा। कहाँ जाना है माजी? तुरूर जाना है। उधर नहीं जाऊंगा। अरे दीदी आप यहाँ? इब्राहिम आइए ना दीदी, घर जा रही है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। अरे नहीं भाई कोई बात नहीं, अभी ऑटो में। अरे आइए ना दीदी, क्या बात कर रही हैं आप भी, बैठिए चलिए आराम से बैठिएगा। कविता की शादी की तैयारी कैसी चल रही है दीदी? बस अच्छी चल रही है, उसी के लिए तो सामान ले रही हूँ, दहेज देना है ना। कितना दहेज देने वाली है? 50 तोला तक तो देना पड़ेगा। गहने भी ले लिए हैं, वो सब बैंक के लॉकर में रखे हैं, वहाँ सेफ है ना, आंखों से देख नहीं पाती, इतना तो करना पड़ेगा। अच्छा तुम्हारी आज नाइट शिफ्ट है क्या? हाँ दीदी उसी के लिए निकला हूँ, आपको देखा कि आप वहाँ पर अकेली ही खड़ी थी तो मैंने सोचा कि आपको घर छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है।
अरे क्या हुआ? आप ठीक हो ना? करने पर इतनी स्पीड से आ रहे हो, दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? अरे तुम्हें दिक्कत नहीं है क्या? औरत को बिठा रहे, बाइक चला रहे हो, औरत को बाइक पे बिठा रहे हो, कोई बात नहीं, चलो तुम चलो, बेवकूफ छोड़ दो तुझे, मैं मिल तू कभी, जाने दो, चलो गाड़ी चलो चलो, अरे कोई बात नहीं, लाइए पता नहीं कहां से चले आते हैं, मिले तो सही, बताता हूं उससे मैं, चलो चलो, ए चल भाग यहां से, छोड़, चलो चलो चलो, बक मत यार, तेरे और मेरे जैसे यहाँ इंसान नहीं है क्या? यहाँ एक एक आदमी के पीछे एक राज छिपा है, तुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ सुन। हाँ? अपने दुकान में एक टकला आदमी वाटरमेलन जूस पीने आता है ना, वो उस दिन अपना सेलफोन दुकान में छोड़ कर गया था, मैं उसे लौटाने गया था, तभी मुझे पता चला कि वो पुलिस का खबरी है। सर ये बुक है? कौन सी बुक? उसे रख दो यार, उसे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो फिर मुझे यही पढ़ना होगा। पुलिस? क्या पुलिस? नहीं बे, पुलिस के साथ रहते हैं ना जो खबरी लोग होते हैं, ऐसे ही हर एक आदमी के पीछे एक चेहरा छुपा होता है, लेकिन हम लोगों का। तू चाय बनाने वाला और मैं जूस बनाने वाला, बस इतना ही। उस टकले के साथ मिलते जुलते पुलिस वाले केस को कैसे डील करते हैं ये जान लिया। बहुत दिमाग होता है उन पुलिस वालों का। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं दीदी, आप संभल के जाइए। अरे रे इब्राहिम, क्या हुआ दीदी? मनी पर्स नहीं दिख रहा है, हम लोग जहाँ गिरे थे लगता है वहीं पर गिर गया होगा। परेशान मत हो, ये दीदी मिल जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने घर पे फोन लगाया, थोड़ा चुप रहे। हेलो श्रवण, अच्छे तो हो ना? खाना खाया? हाँ खाया खाया, कल गांव आ रहा हूँ, कुछ भी लेकर खाना बना कर रखना। छुट्टी लेकर आ रहे हो क्या? नहीं ऐसे वहीं रहने की सोच रहा हूँ। क्या कहा? यहाँ क्या भरा पड़ा है जो यहाँ आ रहा है? आने की कोई जरूरत नहीं, वहीं पर रहो। यहाँ आकर क्या करोगे? वैसे भी दोस्तों के साथ घूमते रहोगे। अरे माँ। क्या मामा कर रहे हो? ला मुझे दे। अरे श्रवण बेटा। हाँ बोलिए पापा। परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, अब सब तुम्हें देखना है बेटा, मेरी चिता को भी आग लगानी है ना। क्या हुआ श्रवण? फोन दीजिए मुझे। मतलब श्रवण, ए मैं क्या बोल रही हूँ सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो माँ। किस लिए काम छोड़कर यहाँ आ रहा है? तेरी बहन की शादी नहीं करवानी है क्या? बाप भी बीमार है, कोई काम तो कर ढंग से। ये क्या किया? ढूंढ लेंगे चल। ए, हाँ? मिला क्या तुझे? हाँ? अबे कहाँ फेंका और तू कहाँ ढूंढ रहा है? यहीं फेंक के अब मुझे ही मार रहा है? नहीं खाना खा के जाएंगे, सीधा रूम में जाएंगे। हाँ चल, लगता है बारिश आने वाली है, जल्दी चल। तुझे खाने में क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जल्दी रूम में चल। तू भी अजीब लग रहा है, पी करके फोन तोड़ता है। वो जा रहा है देख। कौन है बे? अबे वही इब्राहिम। कहाँ? इसके जैसा रख कर नहीं है ऐसा मैं कहूंगा क्या? पैसा है चल जाकर खाते हैं कुछ। ए मणि। क्या? मुझे क्या बोले तो ये फैन नीचे गिरेगा ऐसा लग रहा है। अबे हंस क्यों रहा है? दोनों में से किसी के भी सर पे गिर सकता है। आज गिरेगा तो किसी के ऊपर गिर सकता है, अगर कल गिरा तो तू तो अकेला ही रहने वाला है, मैं तो गाँव चला जाऊंगा कल। है ऊपर कपड़ा सूखने के लिए डाला, जाकर ले आते। जा तू ही कर ले, मैं ये फैन गिरेगा तो उसे पकड़ूंगा। क्या सरदर्द है मणि। हाँ हाँ दीदी। ऊपर चटाई डाली है सुखाने के लिए, वो लेकर आओगे क्या? हाँ ठीक है ठीक है। गैर जिम्मेदारी जैसी बातें करती हो, इब्राहिम के साथ बाइक पर गई और चाबी घुमा दी। दीदी वो क्या है, वो ढूंढने गया था पर मिली ही नहीं, दूसरी चाबी है ना, कैसे भी मंडे को जाकर बैंक के लॉकर में रखवा दूंगी, वहाँ थोड़ा सेफ रहेगा।
है ना? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, सब अकेले ही तो करना पड़ता है मुझे। आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। दीदी आ रही हूँ। थैंक्स। हाँ हाँ श्रवण। अच्छा हाँ है। क्या कर रहा है भाई? मेरे दिमाग के लिए ब्लैक टी और सिगरेट, मजा आएगा। ये ले। तूने बनाया तो ऐसे ही बोलेगा। ए, वो इब्राहिम का शर्ट है ना, ले जाके ऊपर डाल, ऐसे बारिश में गीला होने दे। ए, तू ही जाके डाल देना। एक तो कुछ करता नहीं है, छोटा मोटा काम ही मुझसे करवाता है। नीचे आता हूँ तो ये कुछ बोलता है, ऊपर जाता हूँ तो दीदी कुछ बताती रहती है। चाबी नहीं मिली, कुछ ऐसा बड़बड़ा रही थी। ए, कैसी चाबी? कोई कपाट की चाबी ऐसा बोल रही थी। अबे सही से बताना, क्या बात कर रही थी? ये उनका है क्या? हाँ हो सकता है। तो जाकर दे दें। लेकिन उस पर्स में 400 रुपए थे, पूछने पर क्या बोलेंगे? यही तेरी फिक्र है क्या? मैं दूसरा कुछ सोच रहा हूँ। तो हमारे पास और एक दिन का ही टाइम है। भाई कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है ना? तो फिर देखकर आ जाना। तू जो सोच रहा था वो क्या था? तू डर के मारे हड़बड़ा कर सोचता है, उसे मैं आराम से दिमाग से सोचता हूँ, समझा? हे, चोरी करने जा रहा है क्या? बहुत रिस्क है यार। ये उनकी चाबी नहीं होगी तो? हे, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? हम लोग जब चलकर आ रहे थे ना, तो उस समय इब्राहिम अपने सामने से बाइक पे गुजरा था। कहीं वो भी चाबी ढूंढने जा सकता है ना? तो फिर उसने तो हमें देखा होगा ना, पर सामने उठाया, उसे पता चल गया होगा। तूने तो उसको दिखा नहीं, मैंने ही तुझे उसे दिखाया। इसी तरह वो बिना देखे गया होगा ना। ऐसे देखा भी होगा तो हम लोग चलकर अपने रूम की तरफ आ रहे थे, बस उतना ही। तू उसके बारे में सोच के इतना डर मत, मैंने दिमाग में रखे प्लान बनाया है। हाँ समझा नहीं। गुम हो चुकी चाबी इब्राहिम ने ली है, लेकिन वो ओनर के पास दी नहीं है। और जो चाबी गुम हुई है उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। पुलिस वाले इंक्वायरी किए बिना इब्राहिम को ही इसमें फंसा कर हम लोगों को बचाना है। ऐसा है कि पुलिस वालों को होशियार करके उन्हें बेवकूफ बनाना है। तो इब्राहिम का शर्ट लाया है ना? क्या करने जा रहा है? पुलिस वाले ऐसे छोटे छोटे क्लू को देखकर ही चोरी पकड़ते हैं, और निशानी हम ही लोग देंगे। बिना तोड़े हुए कपाट का चोरी का केस, ऐसा ये न्यूज में आएगा। चाबी मिसिंग ओनर बोलेगा, उस तरफ से पूछताछ किए तो इब्राहिम का कॉलर, बटन, धागा सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। कैसे मारना है ऐसा सोच रहे हो क्या? तो तुमने फैसला कर लिया है क्या? तो फिर जा जाके चाबी दे दे जा। ठीक है बोल। सोमवार को उस पेयर की इसे खोलकर गहने बैंक में रख देंगे ना? हे एक मिनट, इब्राहिम को कैसे पता कि कपाट में गहने हैं? सोचने वाला सवाल है ये। वो गुम हो चुकी चाबी कितनी जरूरी है, ऐसा ओनर दीदी गहनों के बारे में कहा हो सकता है? ठीक है वो छोड़ना, कपाट खोला ऐसा उसके लिए पुलिस पूछताछ करेगी, हमें उससे क्या है? अरे वो नया कपाट आया था ऊपर, तो हमने ही चढ़ाया था ना, उसमें उसने रख दिया होगा तो? ऐसा नहीं हो सकता मणि, क्योंकि हमने ही कपाट का मुंह दीवार की तरफ लगाया था ना। सोमवार को सारे गहने बैंक में रख देंगे, कल एक दिन के लिए सारे गहने इधर उधर नहीं करेंगे, समझा? वो तो ठीक है, गहने निकालोगे कैसे? दीदी घर में नहीं रहेगी उस वक्त, हर दिन दीदी 5-6 बजे मंदिर जाती है ना, उसी वक्त करेंगे। ठीक है, और वो अंधी लड़की? तोड़ने थोड़ी ना जा रहे हैं, खोलने ही जा रहे हैं ना। सेल्वम भाई को अपने बिस्तर से उठकर नहीं आना पड़ेगा, देख लेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसे बेचोगे कहाँ? एक बाइक चोरी का केस मनी, उसके बारे में मैंने पढ़ा है। चोरी की हुई बाइक का नंबर प्लेट बदल कर उसे बस स्टैंड में जाकर रख दिया, थोड़े दिनों के बाद उस बाइक को निकाल कर किसी और बस स्टैंड में ले जाकर रख दिया। सारा केस सुलझने के बाद उस बाइक को यूज़ किया। वो किसी दूसरे केस में फंसने के बाद ही उस बाइक का मामला बाहर आया। हम लोग चुराने वाले गहने भी इसी तरह
बस स्टैंड में जो रहता है ना लगेज रखने के लिए जगह, हाँ, वहाँ ले जाकर हिफाजत से रख देंगे। फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरे बस स्टैंड में ले जाकर रख देंगे। क्या तू जो बोल रहा ना, मुझे बहुत खतरा लग रहा है भाई। ये गोल गोल घूमने वाला फैन सर पर गिर जाएगा सोचकर तू सो नहीं पाता है। उसी तरह किसी भी चीज को देखकर डर डर के तू कुछ कर नहीं पाएगा, तो फिर हम लोग जी नहीं पाएंगे मणि। अभी हमें एक मौका मिला है, क्या बोलता है? अबे क्या हुआ, इतनी बारिश गिरी है, ठंड लग रही है, कहीं ये फैन नहीं गिर जाए, यही डर लग रहा है। सुबह होते ही तो रूम छोड़कर बाहर चला जा, शाम तक ओनर दीदी की नजर में पड़ना ही नहीं। चाबी जो गुम हो चुकी है वो सिर्फ हमें पता है, उन्हें नहीं पता होना चाहिए। भाई से कहकर दुकान में छुट्टी मार ले। तुमने पीकर नशे में प्लान बनाया था, भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं। जब मैंने बैठकर सोचा तो मुझे ऐसा लगा मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। ए, उन लोगों को देखकर डर क्यों रहे हो बे? वो दीदी एक एनजीओ में है। हाँ। वो एक फिल्म में कुछ गंदी बातें थी ना। हाँ। उसी गंदी बातों को लेकर के उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लिया था, तो मैंने दीदी से पूछा कि आपके पति तो डेली आकर के गंदी बातें करते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा करना चाहिए क्या? तो सही तो पूछा तूने। क्या सही पूछा? जिस दिन से वो बात मैंने पूछी है ना, तब से जब भी मैं देखता हूँ मुझे घूरती रहती है। अबे हम सब उस सोसाइटी में सिर्फ एक पुतले हैं मणि, हमें जान वाला स्टैचू बनना है तो फिर हमें पैसे वाला बनना होगा। पैसे वालों को देखता हूँ तो मुझे जलन होती है, इंसान के अंदर नहीं आनी चाहिए वो अय्याशी आ जाती है। दो इडली और टू। अरे पुरानी फिल्म क्यों लगाई है? फिल्म वालों की स्ट्राइक चल रही है ना, इसलिए पुरानी फिल्म लगी है। अच्छा अच्छा मणि देख, और एक बात, ज्यादा किनारे पर रहना और ज्यादा दूर रहना दोनों में फंस सकते हैं, याद रखना। ये सब करना जरूरी है, डर लग रहा है यार। अभी हम लोग जो फिल्म देख रहे हैं ना, वैसा हीरो को जो चांस मिला है वैसा हम यूज करेंगे तो ये फिल्म पसंद आएगी क्या? अगर हम डर का यूज करना छोड़ देंगे तो भी तुझे पसंद आएगी क्या? तो हम हीरो हैं क्या? तेरे बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मैं हीरो हूँ। फंस गया तो बेइज्जती होगी, लोग गलत नजर से देखेंगे यार। लाइफ में एक आदमी अगर पैसे वाला नहीं बना तो इंसान को ऐसे ही देखेंगे सारे लोग। वही अगर मेहनत करके बड़ा आदमी बन गया तो सोच लो उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, ऐसी बातें करेंगे। वो बड़ा कैसे हुआ ये बात नहीं करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, वो ये तेलुगु वाला है, ये कन्नड़ वाला है, ये हिंदी वाला है, ऐसी अलग अलग तरह से बातें करेंगे। कितनी भी तकलीफ उठाकर आगे बढ़ेंगे तो भी ये शहर ऐसा ही देखेगा, समझा? अगर हमें ऊपर आना है तो बढ़ा चढ़ाकर कोई काम करते तो उसमें कोई गलती नहीं है मणि, समझा? गलती करने जा रहे हैं उसके बाद भी कविता को आंखों से दिखाई नहीं देता, सेल्वम भाई को लकवा मार गया है, ये सारी बातें गंभीर नहीं लग रही क्या? लेकिन हम जो कर रहे हैं भगवान तो सब देख रहे हैं ना। हम खाने के लिए तरसते हैं वो भी भगवान देखता ही होगा ना, तो इसे भी देखने दे। हेलो। हाँ माँ। श्रावण, तेरी बहन घर छोड़कर चली गई है, अभी तक लौटी नहीं, लगता है किसी के साथ भाग गई, ऐसा गांव वाले कह रहे। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ए आवाज कम करना यार। ये सुनने के बाद तेरे पापा के सीने में दर्द हो गया, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं बेटा। साथ में लड़के लोग हैं ना? हाँ बेटा, रवि साथ में है ना? फोन जरा उसको देना। हाँ देती हूँ देती हूँ, लो तुमसे बात करेगा। क्या हुआ जी? हेलो। हाँ भाई बोलना। भाई जरा देख लेना। तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना यहाँ पे। परेशान मत होइए, मैं हूँ। हाँ बेटा। हे श्रवण, क्या बोल रहे हो? वक्त पर शादी ना करवाओ तो ऐसा ही होता है। इतनी आसानी से क्यों बोल रहे हो? तो फिर क्या, मुझे माँ की तरह रोने को बोल रहा है क्या? मैं निकलता हूँ। पहले वो चाबी जा करके फेंक गया, जब से वो मिली है पनौती लगी हुई है।
सुनो दीदी, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पूजा रखी है, तुम श्रवण के साथ आ जाना। दीदी श्रवण के पापा की तबीयत खराब हो गई है, अभी गांव से फोन आया था। अरे बाप रे, मणि ने बताया, डरो मत। हाँ फिक्र मत करो श्रवण, कुछ नहीं होगा। देखो तुम फौरन जाने के लिए निकल जाओ, इसे बस में बिठा कर हो सके तो मंदिर आ जाना। चलो। हे, मैं ताला चाबी लेकर के आता हूँ। तेरे पापा नहीं रहे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्चषा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। श्रवण को छोड़कर आए ना? आपके निकलते ही हम लोग भी निकल गए थे। श्रवण को बस में चढ़ाकर आ रहा हूँ। ठीक है। श्रवण के पिताजी नहीं रहे। ऐसे कैसे? बस स्टैंड पर पहुँचते ही घर से फोन आया था। क्या क्या हुआ माँ? श्रवण के पिताजी गुजर गए। ये कैसे हो गया? लक्ष्मी आओ बेटी। हाँ, हाँ, हम लोग पूजा करके आते हैं। हाँ, 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 हाँ। अच्छा
दीदी परेशान मत होइए दीदी, मिल जाएगा। चोरी करने वाला कौन है पता है? मुझे पता है। चोरी करने वाला मैं हूँ। सब सत्यानाश हो गया, जो जमा किया था सब लूट गया। मुझे भी थोड़ा जहर दे दो, मैं भी मर जाता हूँ। अगर चाहिए तो मैं दवा दे सकता हूँ। ए मुंह बंद कर। भैया आप भी ना चुप रहिए, पुलिस को बताया है ना, ढूंढ कर निकाल ही देंगे। मणि चैनल वाले आते ही होंगे, अच्छी शर्ट पहन के आ। शर्मा सारी तैयारी हो चुकी है, तू भी कपड़े बदल के आ जा। हे भगवान। ताला तोड़कर चोरी हुई ऐसा नहीं लगता, चाबी तो आप ही के पास है ना। कॉलर का कपड़ा बटन धागा के साथ मिला है, इस कपबोर्ड की एक ही चाबी है क्या? हाँ एक चाबी और है, शनिवार को रात को गाड़ी पर आ रही थी तो रास्ते में गिर गई थी। शांति बहन, तेरी बेटी आई है, ऊपर देख। क्यों रे भाग गई थी ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हा? तेरा बाप मर गया तेरी वजह से। माँ, माँ। क्यों आई है यहाँ पर? सर हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप? लेकर आओ सर, सर प्लीज रीजन तो बताइए। मुंह बंद कर। तू जब घर से निकला उसी समय चाबी गुम हुई है, उससे तेरा कनेक्शन जरूर सर, क्योंकि कल शाम को मंदिर जाने के वक्त गहने वहीं पर थे, उसका पति तो उस समय बिस्तर पर था, घर में कोई और था नहीं, उसी वक्त तूने अपना खेल दिखा। सर कल सच में मेरी तबीयत खराब थी। मेडिकल सर्टिफिकेट है क्या? सर बस सर में थोड़ा सा दर्द था। मुझे पहले से पता था कि तू कुछ ऐसा ही कहेगा, मैं मुस्लिम हूँ इसीलिए मंदिर नहीं गया है ना। सर मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। तू कैसा है ये तुझे पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। ए सर लेकर चलो इसे, चल रहे देख लिया ना पुलिस वाले को, क्या देख आधे घंटे में पकड़ लिए। ये दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? ये किसका रूम है? ये इसका रूम है सर। ए इधर आ। सर क्या नाम है तेरा? मणिनंद सर। ये इब्राहिम तेरा दोस्त है? नहीं सर, बगल में रहता हूँ इतना ही। काम क्या करता है? चाय की दुकान पे काम करता हूँ। काम पर नहीं गया? जाना है सर, लेट हो गया हूँ आज। तू अकेला ही रहता है? नहीं सर, सरवन नाम का आदमी भी इसके साथ रहता है, दोनों साथ ही काम करते हैं। मैंने तुझसे पूछा क्या? मुंह बंद करो, चुपचाप रहो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। सरवन नाम का मेरा एक दोस्त है सर, उसके पिताजी मर गए इसलिए गाँव गया हुआ है। कब गया है वो? कल शाम को ही सर। अरे पुलिस वाले भी अपन के जैसी इंक्वायरी करते हैं। तेरे फ्रेंड का बाप मरा तो तू साथ में नहीं गया? नहीं सर, दुकान खोलने के लिए कोई आदमी तो चाहिए ना सर। पापा, पापा, पापा। कुछ भी हो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू खुश रहेगी क्या? तेरा सत्यानाश होगा। मर जा तू। सर मर। स्पॉट से ही बोल रहा हूँ सर। वो लड़के का बाप मर गया है और घर में कुछ दूसरा ही मामला चल रहा है सर। अरे माजी क्या? अरे अंदर जाके कुछ पूछताछ करूँ क्या सर? नहीं नहीं रहने दो, जरूरत पड़ी तो बताऊंगा। मुझे कुछ कामयाबी मिली है, एक्यूज्ड को मैंने पकड़ लिया है, जरूरत होगी तो बताऊंगा। तेरे दोस्त के आने के बाद तुम दोनों को यहाँ पुलिस स्टेशन आना होगा। तुम दोनों अपना नंबर नोट करवा दो और जाओ यहाँ से।
ओम आ पवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थांगतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षा सा बाह्याभ्यंतरः शुचिः पितृदेवताभ्यो नमः ओम शांति 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 वनस्पतयः शांति पृथिव्यः शांति वनस्पतयः शांति। हे फाइन चालू किए बिना ही सो गया। छोड़ यार। अरे सुन ना, हे एक हफ्ते से बहुत डर गया था, बुखार जैसा आ गया, छू के देखना। हे आसपास सब शक की नजर से देखते हैं। तुमने सही कहा था, इब्राहिम को शक में पुलिस ने उठा लिया है, लेकिन उसके मामा का कुछ पॉलिटिकल संबंध है ना, वो एक दिन में ही बाहर आ गया। FIR लिखा कि नहीं पता नहीं, घर भी खाली कर दिया। आजकल सुना है कि किसी नए आदमी के साथ मिल गया है। क्या यार, मैं बोले जा रहा हूँ, तू चुपचाप खड़े होकर के सुन रहा है बस। मैंने पूछा क्या, तू ही अपने आप बोले जा रहा है। ठीक है, गहने तो सुरक्षित रखे हैं ना? नहीं मणि, उसमें भी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, उससे भी सेफ जगह पर, बाप के पिंड की जगह पर रख दिया है। ठीक है, वो मैं तुझे जब फोन, अरे मुझे पता होता तो स्विच ऑफ करके रखता ना। तू छोड़, तुझसे नहीं होगा मणि। हे भगवान, वो ओनर दीदी, उठाने से पहले सोचना पड़ता था मणि, अभी बेचारी ये सोचेगा तो बहुत पाप लगेगा। ऐसा होगा, मैंने सोचा नहीं था। तूने क्यों पाप किया, ऐसा सोच रहे हो क्या? चाचा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तू क्या पूछने वाला था? नहीं नहीं, ओनर गहने गुम हो गया है, शक में भाड़ा बढ़ाने जा रही है सबका। और सुन, हे एक जरूरी बात बताना भूल गया मैं, गांव से लौटने के बाद तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है, इंस्पेक्टर ने बोला था ऐसा। हाँ जाना तो हो गई, नहीं तो शक हो जाएगा। तो फिर उस दिन इब्राहिम को उठाया तो मैंने सोचा कि मुझे भी डाल देगा अंदर, लेकिन तेरे पिताजी की मौत का सुनकर शायद मुझे छोड़ दिया था उस दिन। ऐसे ही घूरता रहता है, सुबह काम पे जाना है, सो रहा हूँ मैं। घर में बहुत सारे मामले हैं, बहन को लेकर एक भाग गया था ना, उनके घर में अभी मामला शांत नहीं हुआ है, अभी वो दोनों हमारे घर में ही हैं, और बहन भी पेट से है। अभी तो भागे थे वे। परेशान मत हो, मामा बन गया ना। सर नमस्ते सर। गांव से कब आया तू? कल रात को सर। माँ कैसे मरी तेरी? सर माँ कैसे मरी तेरी? सर माँ नहीं मरी थी, पिताजी। उस दिन माँ कहा था ना तूने? बाप ही सर, हार्ट अटैक। तू क्या समझता है, हमने तेरे बारे में इंक्वायरी कर ली है, फोन कॉल ट्रेस करने पर हमें ये पता चला है कि तूने इसे कॉल किया था, फिर उसके बाद कुछ टाइम तक फोन नहीं किया। साथ ही यह भी पता चला है कि इसके फोन पर कुछ ऐसे लोगों के कॉल आए हैं जो हमारे शक के दायरे में हैं। क्यों? Hey! सर फोन नहीं दिख रहा है सर, वो कहाँ रखा है मुझे नहीं पता, रिंग जा रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है, मैंने भी बहुत सारे नंबर से ट्राई करके देखा है लेकिन किसी ने नहीं उठाया, कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं सर। ओनर भाई बात करते समय इसका फोन गुम हो गया, ये बात मुझे पता चली थी सर। मड़े क्या यही है? मड़े फोन। हाँ भाई। श्रवण मैंने खा लिया, तुमने खाया क्या? ये शर्वण से बात किया या सरोजा से, इतना खुश दिख रहा है ये, कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन शाम को कॉल करते समय बस की आवाज से कुछ समझ भी नहीं आया सर। इस महीने की पगार मिलेगी तो एक नया फोन लेना है सर, लेने के बाद मैं अपना नंबर आपको खुद ही देकर जाऊंगा सर। अच्छा उस मुस्लिम लड़के का नाम क्या है? इब्राहिम सर। उसे जमानत पर छुड़ा लिया है, नहीं तो उसकी अच्छी तरह धुलाई होती। जिनके गहने गायब हुए हैं उन लोगों ने ही इस केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अगर मेरे ऊपर प्रेशर होता ना तो मैं इस तरह खड़े रहकर बात नहीं करता तुमसे। जब बुलाऊं पुलिस स्टेशन आना होगा। जाओ। हे तुम दोनों के जो नए नंबर हैं और तुम्हारे ओनर के नंबर, दोनों बाद में आकर लिखा कर जाना। ठीक है सर। ठीक है जाओ अभी। चलता हूं सर।
अच्छा सा फोन दिखाइए। ये देखिए लेटेस्ट है। ये ओके है ना? अरे बोल ना। बहुत पक्के हो तुम। जरा फोन दिखा। क्यों भाई? दिखा बोल रहा हूं ना, मेरे पास ही रहने दे। ओनर दीदी के पास कॉल करके बात करने से अच्छा तू उनके सामने बात कर, तब तो कुछ फालतू नहीं बड़बड़ाएगा। कहीं पुलिस स्टेशन में नंबर मांगा ना तो दे देना, बाकी सब मैं आके बताता हूँ। फोन को मैं स्विच ऑफ करके रखता था ना। तू, तुझसे नहीं होगा मणि। फोन हाथ में रहेगा तो पक्का तू बड़बड़ाएगा। तेरे नंबर पर तूने कॉल करके देखा क्या? नहीं। तेरे फोन को मैंने स्विच ऑफ नहीं किया। कहीं पुलिस वाले तेरे फोन को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे ना तो शाम को जो फोन किया ना वही रहेगा, समझा? बाकी तू समझ गया होगा। मैं ये कैसे करूंगा, फोन तो मेरे पास ही है ना। मैंने किया ना। ऐसा क्यों किया तुमने? फोन चोरी हो गया, ऐसे टाइम पर कोई नंबर मांगता है तो शक ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने तुझसे ले लिया। फोन काम करता रहेगा तो ही कॉल को ट्रैक करने की सोचेगा, समझ गया? कल इसके बारे में वो पूछ रहे थे, फोन गुम हो गया है। कल तक मैं ट्राई किया था, रिंग फुल बज रही थी, लेकिन कल रात से स्विच ऑफ करके आ रहा है। कहीं चार्ज खत्म हो गया होगा, नहीं तो पाने वाले ने स्विच ऑफ करके रख दिया होगा, ऐसा बोल दे। अभी तेरा फोन चार्जिंग से निकाल कर कहीं पर डाल के आ रहा हूँ, वहीं पर पड़ा था, किसी ने उठाया नहीं। थू मणि, पुलिस वालों को पुलिस का सारा काम करने देने के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्हें अपना शार्प दिमाग दिखाने के लिए सवाल उन्हें हम ही देकर उसका जवाब हम ही दिए तो समझ ले वो हमें छू भी नहीं सकते। वो अपने कॉल को ट्रैक करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। पुलिस ने मुझे थप्पड़ मारा तो सोचा तुम गुस्सा हो जाओगे। गुस्सा? मुझे तो हंसी आ रही थी। कमजोर आदमी से ओगल माने की उनकी वो चाल होती है, अगर उसमें उन्हें जरा सा भी क्लू मिला ना तो तुझे अंदर डालकर आटा गूंथने जैसा गूंथ देंगे, और तुझे तो चार हाथ पड़ गए तो तू सब कुछ उगल देगा। तू भी ना, मैं तो दो ही थप्पड़ में भाग दूंगा। एविडेंस कैसे मिलेगा भाई? देख मणि, अच्छे से सोच कर देख। अगर दो चीजों के बारे में सोचो तो हमें चड्डी के साथ उठाकर अंदर डाल देंगे। हे हे, उंगली का निशान होगा क्या? उस दिन कपाट से फिंगरप्रिंट निकाला होगा क्या? ए, मैंने ही रुमाल लगाकर सारे काम किए हैं, और सिर्फ यही नहीं, वो उनको ढूंढने के हिसाब से वो सारे लोग उसे इधर उधर करके वो बहुत लोगों का हाथ लगा होगा। और वो दूसरा क्या हुआ, क्या सोच रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गहराई से सोचो तो समझो, चोरी हुई उस दिन हम लोग काम पर क्यों नहीं आए, वो पूछेगा तो क्या बोलेगा? वो भी तो ही बता दे। वो भी हम संभाल सकते हैं। उसके अलावा एक और बात है, उस घर को अच्छे से जानने वाले ही इस काम को कर सकते हैं। अंदर सोने वाले सेल्वम भाई, बाहर से नया आदमी कोई आता है बोले तो वो सोया हुआ और वो कपाट वहां पर है कि नहीं, क्यों वो उठकर चल सकता है क्या, वो भी उसे कम दिखता है उसके बाद भी, तो फिर ये सब उस घर के बारे में अच्छे से जानने वाला ही ये सब कर सकता है। अगर ऐसा कहा जाए तो वो लिस्ट में हम दोनों ही हैं। ज्यादा सोच मत, फंसने के लिए एक लिमिट होता है लेकिन बचने के लिए कोई लिमिट नहीं है। 2 बजे दुकान खोलने के लिए बोला है, हम लोग को जल्दी निकलना होगा यहाँ से। एक मिनट रुक। हेलो श्रवण, कहाँ हो भाई? हाँ रूम में दीदी। थोड़ा ऊपर आ सकते हो क्या? हाँ आता हूँ दीदी, तू अंदर जा मैं आता हूँ। आओ बैठ। तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद फोन कर सकते थे, पर देखो हमारी हालत क्या होगी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। सुना है दीदी? घर में सब ठीक हो गया ना? माँ कैसी है तुम्हारी? ठीक है अभी। अब हम कैसे जिएंगे? इस आदमी के भरोसे अपना घर छोड़कर आई थी, ये सुनकर मेरे पापा के सीने में दर्द हुआ और वो वहीं गुजर गए। हेलो आमा। श्रवण, तेरी बहन घर छोड़कर चली गई है, ये सुनते ही तेरे पापा के सीने में दर्द हो उठा बेटा। इस आदमी के भरोसे अपना घर छोड़कर गई थी, सुनकर तेरे पापा के सीने में दर्द होने लगा, उसे सुनते ही मेरे पापा के सीने में दर्द हुआ और वो मर गए। माँ चुप रह, तू अपने छोटे भाई से ही तो बात कर रही हूँ।
लाश देखने के लिए भी अंदर नहीं जाने दिया। मेरा छोटा भाई कदीर ही बात करके मुझे अंदर ले गया था। अब क्यों नहीं यहाँ पर? चल जा, निकल जा यहाँ से। तू नहीं जान ली उनकी? आज जो कुछ भी हूँ सब कदीर की वजह से। अच्छा सुनो श्रवण। हाँ, बोलो ना दीदी। मेरा भाई कदीर काम के सिलसिले में सिंगापुर में है। कल वो गांव आ रहा है और वो थोड़ा गुस्से वाला है। फोन पर ही बहुत चिल्ला रहा था। कल यहाँ आकर कुछ ऐसा वैसा बोल दे तो तुम दिल पर मत लेना बात को। मणि से भी कह देना यही बोलने के लिए बुलाया था तुम्हें। ठीक है दीदी। इस आदमी के भरोसे अपना घर छोड़कर आ गई। ये सुनते ही मेरे पापा के सीने में दर्द हुआ और वो वहीं गुजर गए। मणि, ए मणि। हाँ। यहाँ मेरे पढ़ने वाले पेपर रखे थे, सब कहाँ है? वो सब मैंने फेंक दिया। क्यों बे? मेरी बहन भाग गई थी, वो तेरे अलावा किसी और को पता है क्या? नहीं तो तेरे पिताजी गुजर गए थे, बस यही पता है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। ए दीदी ने कुछ पूछा क्या? बाप गुजर गया उसके बारे में पूछ रही थी। श्रवण, एक वाटरमेलन जूस। ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलो। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर ओनर दीदी के घर में चोरी हो गई है। आप ही बार बार कहते थे ना, जो गुम हो गया उन गहनों को ढूंढना है तो पुलिस दूसरे तरीके से ढूंढ कर निकालेंगे। सर बैठो तो सही। पिछले हफ्ते तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई थी, इसलिए तुम गांव गए थे, तुम्हारे दोस्त ने बताया मुझे। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है श्रवण। अच्छा हुआ तूने मुझसे पूछा, किसी और से पूछता तो बिना मतलब के वो शक करता। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला इंस्पेक्टर ईश्वर है ना? हाँ जी हाँ सर। बहुत बेकार आदमी है वो, जरा भी नहीं सोचता। अगर किसी केस में जरा भी प्रेशर ना दिखे तो वो केस लेता ही नहीं है, और अगर प्रेशर ना हो तो वो तुम्हारे जैसे लोगों को पकड़ के बहुत मारता है और कोई पूछता भी नहीं है, किसी पे भी इल्जाम लगा के केस बंद कर देगा। तुम्हारा फ्रेंड बहुत घबराता रहता है, अगर उसे शक की नजरों से देखा ना तो सब पे शक शुरू हो जाएगा। देख तू बिना मतलब की बातें करके मुसीबत को अपने पास मत बुला, ये तेरी बिना मतलब की क्यूरियोसिटी है। कहा था ना ज्यादा क्यूरियोसिटी खतरनाक होती है। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। हे, क्या बोल रहा था वो? तू पहले अपनी आंखें छोटी कर। हाँ? ऐसा ऐसा क्यों पूछा उसने? रुक जा। हेलो। हेलो श्रवण। हाँ बोलो बहन। कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं श्रवण, ज्योतिष को दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि मुझे बेटी होने वाली है। मामा ने कहा कि तबीयत का थोड़ा ख्याल रखो। कविता की आंखें नहीं है। खाना खाए क्या? ज्योतिष ने बताया मुझे बेटी होगी। अपने छोटे भाई से ही तो बात कर रही हूँ। मामा की तबीयत खराब है ना, मैं उन्हें संभालने की कोशिश। चलो वहीं सोता है, उसने देख लिया तो। मुझे हर शनिवार को दिया जलाने को कहा है। हम जो कर रहे हैं वो भगवान भी देख रहा होगा ना, इसे भी देखने दो। हेलो श्रवण। हाँ हाँ ठीक है बहना, अभी जरा दुकान में भीड़ है तो मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है भाई। कौन था, घर से था क्या? हाँ बे। क्या हुआ? बस यूं ही। ठीक है, टकले ने क्या कहा? अभी बताऊंगा तो समझेगा नहीं। क्या यार तू और तेरी बातें। जब बात समझ में आएगी ना तब मैं समझा दूंगा, समझा? हाँ कौन सा गांव है तेरा? कहाँ काम करता है तू? गहने गायब हुए उस वक्त कहाँ था तू? सर बोल रहे सर। ए क्या हुआ? कौन है तू? क्या काम करता है तू? इसके शादी है क्या? ए चल बता, सर, बता कहाँ गायब है? क्या एक एक कदी छोड़ छोड़ ना। ए तुम चुप रहो दीदी,
मुझे अपने तरीके से पूछने तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। पहले यहाँ से तू जा, जा ना। कुछ गलत मत सोच लेना, वो वैसा ही है। कोई बात नहीं दीदी। कदीर, ए! मुझे तो पसीना निकल गया था। क्या गुस्से वाला आदमी है ये? फिकर मत कर मणि, जो गुस्से वाला होता है ना वो कुछ नहीं उखड़ पाता। आज ओनर ने दुकान खोलने के लिए नहीं कहा, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया हमारे ऊपर? अबे डर डर के मर जाएगा क्या? कितनी बार कहूँ तुझसे, एक दिन ही बंद करने को बोला है ना, उसके लिए इतने सवाल कोई पूछेगा क्या? दुकान उनका है, वो कुछ भी कहेंगे तो वो करना पड़ेगा। हे उधर दे। हम लोग क्या बात कर रहे थे? कैसे हो तुम? अच्छा श्रवण, बोलिए। गांव में जो शादी होने वाली थी वो उस लड़के ने रुकवा दी। उसने कहा वो जिससे प्यार करता है उसी से शादी करेगा। तब मुझे मेरी हालत समझ में आई। 25G, ये तो मेरी जाने वाली बस नहीं है। लेकिन हमें इससे ही जाना है ना, तुम यही रुको, तुम्हारी वाली बस से जाना। ये तू चल। क्या बे, लव क्या है उसे समझ में आ गया, ऐसा बोल रही थी ना। अचानक वो मुझे बस स्टॉप पर देखी और मुझसे बात की, मुझे ढूंढकर अगर थोड़ी बात की, लव करके अभी वो क्या समझी वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसा बोलकर मुझे वो छोड़कर चली गई। उसी दिन मैं अच्छे से समझ गया कि कहीं अगली बार शादी होकर अपने पति के साथ क्यों हाथ में एक बच्चे के साथ उसे देख सकते हैं, तब तो वो मेरे साथ बात भी नहीं करेगी। लड़कियों की जिंदगी हर कदम पर बढ़ती रहती है मणि, वो चाहे तो भी और ना चाहे तो भी। और सिर्फ यही नहीं, एक तो पहले ही एक लड़की का पाप अपने सर पर चढ़ा हुआ है। क्या है वो? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हे, अभी क्या कहा तुमने? टिकट ले ले, 2 माउंट रोड। हेलो पापा, मैं मणि बोल रहा हूँ, ये मेरा नया नंबर है, अब से इसी पर बात कीजिएगा। हेलो, ठीक है ना? लाइसेंस। ए इब्राहिम। हे श्रवण, अच्छा तो है ना? हाँ अच्छा हूँ श्रवण, तू कैसा है? मैंने सुना कि तेरे पिताजी गुजर गए। बहुत कुछ हो गया, तू मुझ पे भरोसा करता है ना श्रवण? जरूर करता हूँ यार, थैंक्स। ओनर दीदी कैसी है? कुछ दिन पहले उन्हें देखा था, मैं नमाज पढ़ के आ रहा था तभी। दीदी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ दीदी, मैंने सोचा था कि पुलिस के सामने आप मेरा साथ देंगी। वो ऐसा है कि? कोई बात नहीं दीदी, मैं समझ गया हूँ आप उस दिन किस हालात में थी, लेकिन इस वक्त जो भी आपके घर में है उसे परिवार की तरह रखिएगा, उनका साथ मत छोड़िएगा और ना ही उन पर शक कीजिएगा। चलता हूँ दीदी। मैंने जो उनसे कहा सही कहा ना श्रवण? मणि ठीक है ना तू? हाँ। फ्रेंड के साथ आया था क्या यहाँ? चल ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ बाय बाय। ठीक है बाय। ये इन लोगों का क्या चक्कर है यार? मैंने ही बुलाकर बात की। तू ही क्यों यार? ओ समझ गया, शक नहीं होना चाहिए इसीलिए। सुपर है क्या यार? ठीक है चलते हैं, बुक लेना है कहा था ना। अब उसे ढूंढना है। सोचा था काम पे गए होगे, नहीं तो पहले ही बुला लेता। अच्छा आज दुकान की छुट्टी क्यों है? अरे भाई इंक्वायरी नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप कुछ पूछते हैं तो लगता है इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं बस मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। कोई बात अरे नहीं। वो नहीं कोई बात नहीं, वो भाई ने फोन करके दुकान मत खोलो ऐसा बोला, क्यों काई को ये सब हमने पूछा नहीं। गलत मत सोचना भाई, उस दिन गुस्से में थोड़ा चिल्ला गया, अगर तुम्हारे घर में चोरी होती तो तुम लोग भी चिल्लाते ना। लक्ष्मी। आ रही हूँ आ रही हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है भाई, शादी नहीं हो पाई तो सोचा ऐसे ही रह लेता हूँ, अब जो कुछ भी है मेरी दीदी ही है और उसका परिवार, बस इतना ही। दीदी ने पहले ही बोला था कि तुम दोनों अच्छे लड़के हो, पुलिस ने जिसे अरेस्ट किया उसका नाम क्या है? इब्राहिम। दीदी तो बोल रही थी कि वो भी अच्छा लड़का है,
लेकिन मैं विश्वास नहीं करता भगवान पे। भगवान जी ने खुद चोरों को क्यों नहीं रोका? अब क्या भगवान जी गवाही देंगे? पुलिस के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, वो सब एक जैसे ही होते हैं। पता नहीं पूछताछ भी ठीक से करेंगे या नहीं। हाँ जी, कितने लोग ऐसे ही बोल बोल के रोते रहते हैं। ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं। हाँ चलता हूँ दीदी। ठीक है भैया। कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही, आप लोग जाइए। ये बार बार ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ करके कुछ भी पूछता रहता है ये आदमी, मुझे सही नहीं लग रहा भाई। ए, हाँ? सर ने तुम्हें बुलाया है। क्यों सर? सर एक छोटा सा क्लू है सर, ओनर दीदी के घर में जो गहने चोरी हुए उसके बारे में। एक महीने पहले एक आदमी घर की तरफ ही देख रहा था सर, मैंने उसे पूछा कि क्या चाहिए तो वो कुछ नहीं बोलकर अपना सिर हिलाता हुआ चला गया था सर। उसके बाद मैंने उसे कोर्ट रोड पे बुलाने की ट्राई की थी। मैं उसे देखूंगा तो मैं पहचान लूंगा सर। उसके बारे में कंप्लेंट भी देनी है सर मुझे सर। अगर कोई चोरी करने आया और उसे पता चलेगा कि अंदर कोई है तो वो चोरी करेगा क्या? हाँ, जो लड़की अंदर है उसे ठीक से दिखता नहीं और बाप बिस्तर से उठ नहीं सकता, तो फिर घर में चोरी ऐसे ही इंसान ने की है जिसे घर के बारे में सब पता है। सर हाँ, चाय दुकान वाला, उनके साथ ही इसे भी बैठाओ। अंदर जाके बैठ जा। उस घर में जो भी किराएदार पहले रहते थे और जो किराएदार हाल ही में थे, राशन पानी दूध अखबार पहुंचाने वाले सभी के घरों में सर्चिंग हो रही है। इसके साथ ही तुम्हारे गांव में तुम्हारे सगे वालों के घर में भी सर्चिंग कर रहे हैं। सर सर सर, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं सर, क्या है सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते अंदर। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए सर, हमें जाने दीजिए। पुलिस यार, रॉब मत दिखाइए यहाँ पे। सर नमस्ते सर। सर यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा जमा हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो अपने पास सर्च वारंटी भी नहीं है सर। जब मामूली से बात को जात पात का तूल दे देते हैं और वो लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? अंदर जाकर सर्च करो। ठीक है सर। अरे जाओ भाई। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हटिए हटिए हटिए, चलिए। सर क्या हुआ? एक मिनट सर, बोलो। पुलिस वाला हूँ सर। बाप रे, अब बता क्या बात है? इंट्रोड्यूस कर रहा था सर। बैठ जा। नहीं सर। चल बैठ जा। नया फोन है क्या? इधर आ, फोन को स्पीकर में डाल। क्या मेरे बेटे, तुम सब लोग पुलिस वाले हो क्या जो रेड करने आए हो? रेड कर रहा है, मिनिस्टर है क्या तू? चल निकल। वो रेड नहीं, सर्च था। तो भी स्पीकर में डाल। हाँ बोलो माँ। श्रवण, यार पुलिस घर में आकर कुछ तो ढूंढ रही है, ऐसा क्या किया तूने वहाँ? घबराओ मत माँ, ओनर के घर में गहने गुम हो गए, मैंने कहा था ना, तो यहाँ पर जो लोग भाड़े में रहते हैं उनके घर में पूछताछ कर रहे हैं। तेरी बहन बहुत डर गई है, अचानक पुलिस घर पे आ गई ना इसलिए। डरो मत माँ, पापा साथ में है ना। ठीक है। सर सर, इन लोगों को क्यों बुलाया पूछताछ के लिए? मैंने तो आपसे नहीं कहा था ना इन लोगों को बुलाने के लिए? चेन्नई में जब बाढ़ आई थी तब से ये लोग हमारे ही घर में रह रहे हैं, ये लोग चोरी नहीं कर सकते सर। आप बिना मतलब के चिल्ला रही हैं। आपके छोटे भाई ने ही पूछताछ करने के लिए प्रेशर डाला था और जब इंक्वायरी शुरू हुई तो पूछताछ क्यों कर रहे हो? अब ऐसे चिल्ला रही हैं? मुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? गहने गायब करवा कर आप बहन भाई मिलकर नाटक कर रहे हो, अंदर करवा सर। दूंगा। क्या है? अगर तुम में से किसी के घर में मुझे कोई भी सबूत मिला ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा सबके। ए, हटाओ इन सबको। सर फिर उस आदमी की निशानी जाके ले लो। ए, हाँ? इधर आ। हाँ। रेड करता है,
निकल सर। चलो चलो, चलता हूँ सर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था उससे बात मत करना। कंप्लेन करने के लिए तो उसके पास गया, अब वो जब जब तुझे बुलाएगा तुझे हाजिर होना पड़ेगा। हाँ सर, फिर क्या करना चाहिए? अगर बहुत फोर्स किया तो मुझे बताना, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। ओके सर, दो चाय और एक में शक्कर ज्यादा। ये लोग यहाँ के क्या कर रहे हैं? क्यों भाई, तुम्हारे दुकान की चाय अच्छी नहीं तो यहाँ पे पी रहे हो क्या? क्या करना है अभी, जो काम हमने नहीं किया उसमें हम क्यों फंसे? क्या मैटर है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं सतीश। तू चुप रह, वो ऐसा है सतीश, पुलिस जो गलती हमने नहीं की उसमें फंसाना चाहती है यार। क्या बात कर रहे हो, थोड़ा डिटेल से बताओ ना। अरे कैसे समझे इसको? चेहरे को सामने मत रख, उसने पेन कैमरा ऑन कर लिया है। हाँ। मुझे मारा है ना, रुक दिखाता हूँ मीडिया का क्या पावर है। हाँ। अब बोलो। अरे वो कुछ नहीं सतीश, सीटू पुलिस स्टेशन का जो इंस्पेक्टर है ना, वो गहने चोरी के केस में हमें चेन्नई बड़ा पलन्नी गांव में कम उम्र के नौजवानों को खारिज होने के लिए मजबूर करने के इल्जाम में इंस्पेक्टर ईश्वर के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठाई गई है। इसके बारे में अब तक इतनी ही जानकारी मिल पाई है। लगा? हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ गांव से आने वाली ये पहली ऐसी खबर है। मीडिया का दिमाग, इस न्यूज को अपने चैनल पे चलाया तो कितने लोगों तक पहुँच हो गयी, अब खुद ही देख लो। टॉप लिस्ट चैनल में इस न्यूज को लगाया है, न्यूज का भी फायदा और इसी चैनल में मुझे काम मिलने का चांस भी बन गया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। सीखना चाहिए। अच्छा सतीश, हमें कोई परेशानी नहीं होगी ना? परेशानी? परेशानी भी तो मैं छोड़ूंगा क्या? मीडिया पावर दूसरा लेवल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अभी अगर कोई भी हम पर उंगली उठाएगा ना तो चार लोगों को टीवी में बिठा कर अपने बारे में बात करके हमें ये बचा नहीं लेगा क्या? सतीश पता है शर्मन, चैनल पे तुम दोनों को बुला के इंटरव्यू करेंगे। क्राइम नाम का एक एपिसोड चल रहा है, आधे घंटे तक सिर्फ तुम दोनों ही रहोगे। तुम दोनों को पुलिस कैसे टॉर्चर कर रही है इसे बिल्डअप देके अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा देंगे। सतीश पक्का? देख इंटरव्यू के समय पुलिस ने सिर्फ हाजिरी के लिए बोला था, ऐसा मत बोलना, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कुछ ज्यादा ही बोलना। पांच मिनट भी बात नहीं करने देते। हाँ हाँ ऐसा क्या जाना माँ फिर से? हाँ हाँ आता हूँ आता हूँ। मरीन ड्राइव की एक न्यूज है, गर्मा गर्म न्यूज है, रिपोर्ट करने जाना होगा। ओके ऐसे ही टीवी देखते रहो, काम के लिए मैं चले जाना। चलो चलता हूँ। हाँ ठीक है। हे, उस टकले के पास क्यों, ऐसा क्यों बोला? वही मणि अपना ट्रम्प कार्ड है, डिपार्टमेंट में अपनी बात फैलनी नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा। बढ़िया यार, बहुत खुश हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि सारा काम हो गया। और थोड़ा सा काम खत्म नहीं हुआ है मणि। हाँ और क्या है बे? एक ही जैसे दो काम हो रहे हैं। एक ही जैसे बोलते हो, डबल रोल। तुझसे कैसे कहूँ, अपने कदीर भाई को दारू पीने बुलाएंगे क्या? जा यार, वैसे बात करता जैसे इंक्वायरी कर रहा, ऊपर से उसे दारू पीने के लिए बुला रहा है, कहीं मुंह से निकल गया तो। भाई क्या कर रहे हो, बाजू में कहीं एसी वाला बार है क्या? दारू तो पीते हो ना? कौन है? अपने कदीर भाई है। क्यों उस आदमी से बात कर रहा है तू? क्या? वो कुछ नहीं भाई, आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ कोई अच्छा काम होगा तो हमें लगवा के देने के लिए। हाँ भाई, हाँ भाई। ओह देखेंगे। तुम दोनों तो शराब पीते हो ना? अरे क्यों ऐसे देख रहे हो भाई, पीते हो ना? चलो चलते हैं। ए तू भी आ जा। उसने बातें सुन ली क्या? फिर जो तू कह रहा है वही वो भी कह रहा है? समझा नहीं, कहीं वो जो बोलने आ रहा था वही मैं बोल रहा था ऐसा लग रहा था। क्या क्या यार, ये इतनी जल्दी लुढ़क गया? ये हमेशा ऐसा ही है भाई, इसे लोकली जमता है, एसी बाहर में तुरंत लुढ़क जाता है। इसे देख के मुझे अपने दोस्त की याद आती है, लेकिन अब वो नहीं है। क्यों, क्या हुआ भाई? रेलवे क्रॉसिंग करते समय मर गया। वो छोड़, तू इब्राहिम के बारे में पूछ रहा था ना? हम ठीक से उससे मिले जुले नहीं, वो हमें हल्का समझ लिया क्या, या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं क्या कि ठीक है वो छोड़ो, हम लोग जब काम से लौटते थे तब वो काम पर चला जाता था। चोरी के समय तू अपने गांव चला गया था? क्या भाई, पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने जैसा पूछ रहे हो। अबे जावे, अगर मुझे पूछना होता तो तुझसे क्यों पूछता है? अच्छा सच बता,
पुलिस ने तुझे हाजिरी के लिए बोला था ना। इन बातों को झूठ बोला जा सकता है, ये सब उस सतीश का किया हुआ काम है भाई। आप भी ना। ए, एक रिपीट। पता है मैं क्यों पूछ रहा हूँ? दीदी की बेटी खुद अंधी है। मेरा मानना है जो घर को अच्छे से जानते हैं उन लोगों को बुला के अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। इस केस में अगर तुम लोग इन्वॉल्व नहीं होते तो उसने तुम लोगों को क्यों फंसाया? उस आदमी का हम पे क्या गुस्सा है पता नहीं। ठीक है उसको छोड़िए, मैं इस केस के बारे में कैसे पूछता था पता है? फिंगरप्रिंट को रखकर ही सब पता कर लेता। चोरी करने वाला अगर रुमाल बांध के चोरी किया होगा ना तो सिर्फ मेरी बहन और बाकी लोगों के वहाँ फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। अरे हाँ यार, ये तो दिमाग में आया ही नहीं। देखो ना, क्या बेवकूफों जैसा सवाल कर रहे हो? उसके लिए अलग दिमाग चाहिए। मैं समझा नहीं। समझाता हूँ। दम मारते हो क्या? कौन सा गांव है तुम्हारा? पोकमपट्टी सर, मदुरई के बाजू में। मदुरई पोकमपट्टी के बाजू में नहीं है, तिरुमंगलम पोकमपट्टी तमिलनाडु में। सच घूमा है मैंने। नडुवनार जानते हो क्या? हाँ मालूम है, मेरे गांव के बाजू में ही है। ये जो कुमार है ना, ये उसी का गांव है। मेरा फ्रेंड कुमार जैसे तेरा फ्रेंड मनी है ना, बिल्कुल वैसा ही। उसका बाप जो है ना, मौत पे जो बाजा बजाते हैं ना, वही काम करता है। गांव में जाके किसी से भी पूछोगे ना कुमार का घर कहाँ, सब लोग तुम्हें बता देंगे। हम दोनों ने बहुत मेहनत की थी। पता है उस समय मुझे तुम दोनों पे ही शक था। भाई क्या मेरे ऊपर भी? अभी तुझे बताऊंगा तो तू समझ नहीं पाएगा। चल कल सुबह त्रिची जा रहा हूँ, काम है। तुम दोनों काम के बारे में पूछ रहे थे ना, याद है मुझे। क्या है बे? सर जूस। हे, उखड़ा हुआ क्यों लग रहा है? कबीर की टेंशन थी, वो तो गांव चला गया ना। आज रात को मैं गांव जा रहा हूँ, पिताजी का 30वां दिन आ रहा है ना। ओ, 30 दिन निकल गए इतने में। और फिर गहनों को बेचना है ना, एक भरोसे वाला आदमी मिला है, उसे भी देख कर आ जाता हूँ ना। हे, तू ही करा था ना, जल्दबाजी मत कर। नहीं नहीं, एक आदमी है, सही से हो जाएगा, जाके देख के आ जाता हूँ। हाँ तू जाके आ, मैं देखता हूँ। वो क्या है कि मालिक बाबर छुट्टी ले रहा है, बोल के गाली देगा। काम से भी हटाने दो, दूसरी दुकान खोल लेंगे, क्या बोलते हैं? मौत पे जो बाजा बजाते हैं ना, वही काम करता है। यहाँ कुमार का घर कहाँ है? कुमार? वो मौत के बाद उसमें बाजा बजाने वाला राम का बेटा कुमार। अच्छा वो तो यहीं बगल में ही है। अच्छा वो घर क्या? हाँ हाँ वही है, लेकिन उसके घर में कोई है या नहीं मुझे नहीं पता, जाके देख लो। अच्छा सर, कौन चाहिए? यहाँ कुमार नाम का। रुकिए मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ। हाँ हाँ बोलिए। यहाँ पर कुमार। मैं उनकी बीवी हूँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओ ऐसा क्या? कदीर और कुमार दोनों एक साथ काम करते थे? हाँ जी, तेनी में दोनों एक साथ काम करते थे। कौन है बहू? पता नहीं सासू माँ, कौन चाहिए? नमस्ते माँ जी, मैं तेनी से ही आ रहा हूँ। कुमार जहाँ पर काम करता था वहाँ से पुराने लोगों को बुलाकर सम्मान देने के बस लिए। बस बेटा, तुम लोगों ने जो सामान दिया वो बहुत हो गया, पुलिस पकड़ कर ले गई बेटे को। आप किसके बारे में कह रही हैं? वो वेलू मुर्गन लकड़ी वाले मालिक के बारे में, वहाँ से ही तो आप आ रहे हो ना? जी हाँ माँ जी। फिर क्या भाई, असली गुनहगार को पकड़ने की बजाय हमें मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? चलिए अंदर चलिए। मैं अब क्या करूं, मेरा बच्चा तो चला गया।
मौत के बाद उसे बाजा बजाने वाले राम का बेटा कुमार पूछोगे ना तो कोई भी गांव वाला बता देगा। जमींदार का घर कहाँ पर है? वो रहा जमींदार का घर, सामने देखो। अच्छा, वहाँ पर क्या? हाँ, हाँ वही। भाई ये बैग थोड़ा यहाँ पर रख दूँ क्या? हाँ ठीक है, रख दो। ठीक है। हाँ, उधर। कौन हो भाई? क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, पुलिस 25 साल पहले जो हुआ था चोरी का केस, अभी जो हो रहा है उस चोरी के केस के बारे में पूछताछ करने के लिए उससे कुछ अलग सा है क्या? ये न्यूज में छापना है इसलिए। ये कैसी पूछताछ है भाई? घर में काम करने वालों को पकड़ कर ले गए। वही पकड़ कर ले गए, चोरी हुआ सामान तो मिला नहीं, क्या पूछताछ करते हैं पता नहीं। थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा? पानी दो बेटी। श्रवण, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, उठो बेटा। चलता हूँ माँ। संभल कर जाना बेटा, आराम से। गांव में आते जाते रहना श्रवण। ठीक है, चलता हूँ जीजा। हे, क्या सब अच्छे से हो गया ना? ओ, सोना बेच दिया ना? हे, क्या हुआ? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं ना। चल छोड़, तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है मुझे रोककर तूने जल्दबाजी कर दी ना। थोड़ा आराम से काम कर सकते थे यार। पंखा क्यों बंद कर दिया? ठंड लग रही है यार, क्यों चाहिए? ठंड लग रही है? क्या हुआ तुझे, किसी ने देखा क्या? गहने सब ठीक है ना? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बता क्यों दे रहे भाई। ए, अरे हुआ क्या? एक बात मेरे मन में जुड़ रही है। मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है? तू पूछ रहा है ना, उसका ही जवाब दे रहा हूँ मैं। ठीक है बोल। ऐसा है कि जुड़ रहा है बोले तो एक ही जैसी हालत दूसरे दूसरे परिवार का मेल बनता हुआ वो कितना जुड़ेगा ये हम कह नहीं सकते हैं। अगर वो जुड़ना नहीं चाहिए तो हमें उस दोष को पूरा करना होगा। क्या हुआ रे? गहने बेच दिया पूछा तो दोष बाधा और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा है तू। ए, वो जुड़ना ना एक टाइप के साइंस से जुड़ा है ऐसा हम बोल सकते हैं। साइंस? ये सब क्या बक रहा है तू भाई? ए, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ यार। गहने चोरी करने के बारे में सोचा था तब से, अब तक मेरे परिवार मेरे हिसाब से चलने वाले हर मामले में और ओनर दीदी के घर का मामला ये सब एक जैसा ही है। सोचना और चलना ये सब कुछ एक जैसा जुड़ा हुआ है। तुझे समझने जैसा बोलूँ तो दीदी और मेरा परिवार बिल्कुल जेरोक्स कॉपी है, समझा? हेलो माँ,
श्रवण, तेरी बहन घर छोड़कर चली गई है, वो किसी के साथ भाग गई, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। इस आदमी के भरोसे मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी। तेरे बाप ने ये बात सुनी और उनके सीने में दर्द हुआ। ये सुनते ही मेरे पिताजी के सीने में दर्द हुआ और वो वहीं गुजर गए। ये सब कुछ गहने चोरी करने के बारे में सोचा तब से मेरे परिवार और उनके परिवार के साथ एक जैसी घटना हो रही है। इसकी कोई दूसरी वजह है क्या? ऐसा मैंने सोचा था। अगर उसका पता चल गया तो ऐसी ही अलग अलग घटना ना जुड़े, ऐसे ही हम बीच में बाधा डाल सकते हैं। नहीं समझा। अब तुझे कैसे समझाऊं? मेरी बहन के साथ जो हुआ वही ओनर दीदी के साथ भी हुआ। मैंने जो किया वही कदीर ने भी किया, और समझने जैसा कहूं तो कदीर ने जो किया वही मैं भी कर रहा हूं। तो फिर जैसे मैंने चोरी की वैसे कदीर ने भी तो चोरी की हो सकती है। इसका पता करने के लिए ही मैं नडुकुट्टे गया था। कुमार, क्या मतलब? जब मैंने नडुकुट्टे में जाके उनके बारे में पता लगाया तो मुझे अच्छे से पता चल गया। कदीर और कुमार दोनों एक ही साथ काम करते थे। एक जमींदार के वहां पर गहने चोरी होने के केस में पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की थी, लेकिन उस जमींदार के पास काम करने वाले मुर्गन को ट्रैश करके उसे पकड़कर उन दोनों को पुलिस ने छोड़ दिया। ये बात उस जमींदार के पास जाने के बाद मुझे पता चली। मेरी माँ के पास जाकर मैंने पूछा, मुर्गन ने ऐसा किया नहीं, ऐसा तेरे पिता ने तेरे दादा से कहा, लेकिन तेरे दादा ने नहीं सुना। पहले ही तू दूसरी जाति की औरत को शादी करके लेकर आया, तुझे तो घर से ही भगा देना चाहिए था। अब नीच जाति के लड़के की तरफदारी कर रहा है, चल निकल घर से बाहर। तुम्हें ये सब नहीं बताना था बेटा, जब भी तुम्हारे पिताजी से कहती। हिम्मत करके हम बाहर आ गए हैं, लेकिन मेरे बच्चे को मैं अंग्रेजों का चमचा बनकर रहने वाला रंगा राजन का बेटा लगूं, उससे अच्छा एक गरीब मजदूर बनकर जीऊं, इसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं भाग्यवान। अपने आखिरी वक्त में अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसी गम में वो रो रो कर हम सबको छोड़ कर चले गए। तू होशियार है बेटा, तू कुछ भी कर सकता है, तू अपने परिवार के लिए कुछ कर, अपने परिवार की इज्जत बढ़ा बेटा। हमारे घर में चोरी किए हुए कदीर और कुमार दोनों ही, हम कैसे इब्राहिम को फंसाया उसी तरह से वहां पर मुर्गन भी फंस गया, समझा? तू जो कह रहा है उसका सबूत क्या है? हमने जो चोरी की है उसका क्या सबूत है? 20 साल बाद अगर हमसे आकर कोई पूछे कि कैसे हो, तो मैं ऐसे कहूंगा क्या कि मेहनत करके हमने पैसा कमाया है, या फिर चोरी की है ऐसा सच बोलूंगा मैं? अपनी बात में तो मुझे शामिल क्यों नहीं कर रहा है? जब तक जुड़ने का सिलसिला शुरू रहेगा तू इसमें जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा, तो उस कुमार की तरह मैं भी मर जाऊंगा क्या? तुम्हारी बहन की बेटी अंधी हो जाएगी क्या, या फिर तेरे बहन के पति को लकवा मार जाएगी? ऐसे ही हंसूंगा, सारे गांव को बुलाकर ऐसे ही हंसूंगा मैं। क्या है कि हम दोनों ने मिलकर चोरी की है इसलिए खामोश हूँ मैं। एक काम कर, तू किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, तुझे जो हुआ है ना वो फिल्म में जैसे होता है ना बिल्कुल वैसा ही है, फिल्मोनिया पागलपन। या तो तू पागल हो गया या फिर पागलपन का नाटक कर रहा है सिर्फ। तेरा बाप बीमार था तब चोरी का प्लान किया था ना पुलिस को गुमराह करने के लिए ना, सिर्फ तेरा चोरी का दिमाग नहीं है इसमें, उस टकले का भी मिला हुआ है पुलिसिया दिमाग। चोरी का प्लान किया, उससे बचने का प्लान किया, ये सब तुमने ही प्लान किया ना। फिर बोला कि सोना बेच करके आ रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद दोष पोष की बात कर रहा है तू। क्या है ये सब? तूने कहा कि ये सब जुड़ना नहीं चाहिए, तो हमें तांत्रिक से उसका काट करवाना होगा, यानी चोरी का गहना अपनी बहन को देने जा रहा है, यही कह रहा है ना? तू पागलों जैसी बात मत कर। मैं पागल हूँ क्या? मैं समझ गया, तू सारे गहने अपनी बहन को देने जा रहा है, यही करने जा रहा है ना? तुझे दूं क्या एक में? ये सब मैं जान गया, यही कहना चाहता था बस। गहने उसको दे दिए तो हमें ऐसे छोड़ देगी क्या? मेरे पिताजी के समाधि के पास था, घर के अंदर ही रखना मुझे सही लगा था, अब वहां से लेकर आ गया। लेकर आ गया क्या? हाँ? अबे उसमें नहीं है, अपने पुराने प्लान के मुताबिक उसे बैग में डालकर लॉकर में रखकर आया हूँ। क्यों बे, गहने घर में ही थे लेकिन पुलिस के हाथों में सेफ थे ना, लेकिन क्लॉक रूम में रखना रिस्क, ऐसा कहा था ना? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब हम सब लोग फंसने वाले हैं बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस के पास ले जाके जमा करने वाला ही है। तेरा कोई भरोसा नहीं भाई? अब एक कमीने है, मेरे बैग में ही रखा हुआ है, अगर मांगता है ना तो लेकर रख ले जा। ओनर दीदी को वापस देने का तेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है, तू पागलों जैसी बातें मत किया कर, समझ गया ना? चुपचाप आकर सो जा। ठीक है, तेरे रास्ते पे चलता हूँ। वैसे देखे तो चोरी किया हुआ गहना तेरा ही है, तेरे घर से चुराए गहने तेरे पास ही वापस आ गए, अब इस मैटर को तो यहीं पे क्लोज कर दे। देख मैंने बोल दिया, जो होगा वो सुबह बात करेंगे, अभी लाइट बंद करके सो। अरे जाने दे यार, लाइट बंद कर, उसके बाद जो बड़बड़ाना है बड़बड़ा तेरे। ठंड लग रही है बे।
छोड़ यार, उस दिन फिल्म देखते समय क्या बोला था तुमने, अगर हीरो की तरह मौका मिला और वैसे ही करे तो? तू कुछ घुमा रहा है भाई। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, तू जैसे कॉमेडियन को समझाना बहुत ही मुश्किल बात है। ऐसा ही हो रहा है, अलग अलग परिवार का संघर्ष शुरू हो रहा है। उस गड्ढे को सबसे पहले अच्छे से भरना होगा, अगर नहीं भरेंगे तो हादसा हो सकता है। गहने चोरी करने के बारे में सोचा तब से अब तक मेरे परिवार में होने वाली घटना, वही ओनर दीदी के घर में भी वही घटना घट रही है, तो इसका मतलब सोचना और करना यह सब एक जैसा ही हो रहा है। बेटा, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। मैंने चोरी की, वैसे कदीर ने भी चोरी की होगी। हमारे घर में चोरी करने वाले कदीर और कुमारी थे, हमने जैसे इब्राहिम को फंसाया वैसे वहां पर मुर्गन भी फंस गया था। तो क्या चोरी किए हुए गहने बहन के पास देने जा रहा है, ऐसा ही ना? अभी ये ठीक है ना दीदी? घबराने की कोई बात नहीं है दीदी। मुझे गहने वहने नहीं चाहिए, अगर आप राजी हैं तो कविता के साथ मैं शादी कर लेता हूं। अरे बाप रे, एक मिनट। ठीक है, बात कर लीजिए। बोलो दीदी। तुम क्या पागल हो गई हो क्या, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? थोड़ा सब्र करो, मैं कोई अच्छा लड़का देके उसकी शादी करवा देता हूँ। ऐसा नहीं है कदीर। दीदी कौन है? मेरा छोटा भाई। एक बार मुझे विश्वास करो, मैंने जब एक बार बोल दिया तो कर दूंगा। कौन क्या है वो देखे जाने बिना लड़की ढूंढ रही हो? मेरे पापा का नाम था रत्नम, मेरे दादा का नाम था रंगराज, रंगराजन को जमींदार के नाम से सब लोग जानते थे। तमिलनाडु के सब गाँव को जानने वाले आप ये नहीं जानते हो क्या? अभी वो मान लेंगे दीदी। तुम अगर घर जाओगे तो वहां सबसे कह देना कि कविता की तबीयत ठीक है, वरना वो बहुत चिंता करेंगे। ठीक है दीदी। श्रवण, कविता कैसी है अब? ठीक है, वो तबीयत ठीक है ना उसकी? कौन सा रूम है उसका? वो 201 में। चलो चलो चलते हैं। ए! कहां चला गया था बे तू? तू कहां गया था बे? ए मणि, तू कहाँ गया था पहले बोल। कविता ने अपना हाथ काट लिया है बे। ठीक है, उसे हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती करने के लिए गया था। वो भी ठीक है। ये सब कुछ अगर ठीक होना है तो उस लड़की के साथ मुझे शादी करनी पड़ेगी, समझा? इसलिए ओनर दीदी के पास जाकर कविता से मैं शादी कर लेता हूँ, ऐसा बोलकर आ गया हूँ। अपना दोष मिटाने के लिए हैं? देख अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ मणि। तुम पे गुस्सा नहीं आता भाई, गर्व होता है। वही बात लेकर आ गया ना तू। भाई तूने गहने चोरी की है, बाकी जो दौलत बची है उसे लूटने के लिए शादी कर रहा है, ये सारा सच जाने वाला मैं ही हूँ, मुझे भी मार डालना। वो भी कैसे, मैं बताता हूँ सुन। वो कुमार के जैसा रेलवे क्रॉसिंग पे मर गया है, कहानी घुमा देना, तेरा काम बन जाएगा। वो कदीर ने कुमार को मारा होगा, उसके जैसे तो मुझे मार देना। वही बैग ले लिया ना? है? यही बैग है ना? देख इसमें, इसमें है कुछ? कुछ मिला? कुछ नहीं इसके अंदर। बैग को बदल कर लेकर आ गया लगता है। जानता था ऐसा ही बोलेगा,
एक्टिंग छोड़ गहने का है। पागल हो जैसी बात मत कर मणि, मेरे ऊपर शक कर रहा है क्या तू? शक का छोड़, तो पूरा झूठ का पुलिंदा है। तेनी गया था, बाप जमींदार, सब झूठ है। देख अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही बोलूंगा मैं, तेरा बाप जमींदार नहीं है, भिखारी है वो। और तो और, तेरी जो बहन है ना, वो सड़क छाप है। आगे आकर बैठ। आपको नहीं सर, आ बैठिए। अबे तुझे बोल रहा हूँ, आगे आकर बैठ जा। हेलो श्रवण। हाँ बोलो दीदी। बच्ची तेरा फोटो देखकर हंस रही थी। हाँ। अगली बार तू घर आया ना, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। एक मिनट रुकना। अच्छा सुनो, एक कॉल आ रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है श्रवण। अरे मेरी बच्ची, तुम्हारे मामा ने कहा है कि वो गांव आ रहे हैं। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, जा जा जा। बोलो सोना। आप लोग दोपहर में खाना खाने आ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, दोपहर को खाना खाने आ रहा हूँ, साथ में एक फ्रेंड भी आ रहा है, तो उसके लिए भी साथ में ही बना देना। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। आखिर में इसे देखे एक साल हो गया होगा, अभी भी मेरे ऊपर शक करता है और लगता है कि गुस्से में भी है, मगर उस पर मुझे कोई भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो वहां तक सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस रात इसने मुझे जो कुछ भी कहा वो मुझे अच्छे से समझा दिया। ए गाड़ी कब चलाएगा? अरे गाड़ी भरने तो दे, राजकुमार को इतनी जल्दी है क्या? सच कहूं तो ये बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है। उस रात को क्या हुआ कुछ पता नहीं। हाँ जगह है ना, आइए आइए। अरे भाई जरा बैग ऊपर रखो। नहीं सर। अरे क्या सर, ये बैठने की जगह, बैग यहाँ रखते हो क्या? बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए बैठ जाइए, बच्चे को गोद में रख लेना। हाँ थोड़ा ससट के बैठो। हाँ चलो सब लोग एडजस्ट हो जाओगे, आ जाओ। से बोलूंगा कि बैग बदल गया तो वो मुझे मार डालेगा, इसीलिए ऐसा करके मैं उसे झगड़ा करके भाग गया था, नहीं तो उसके पास बैठा रहता तो। अरे ये क्या है जी? दिखाना जरा। चटकी, ये हमारी प्यारी बेटी के लिए। अगर भगवान किसी को देता है तो इसी तरह से देता है। हमें ये सब नहीं चाहिए, हम पुलिस को दे देंगे। पुलिस की वजह से मेरे बाप को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी मैं जानता हूँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जैसा इंसान कोई चीज ढूंढ के लाए भी ना तो जरूरी नहीं है कि पुलिस हम पे भी विश्वास करे। अरे तुझे बगल में बिठाया बातें करने के लिए, काम है या फिर चला गया? तो भी क्या यार, ससुराल से गाड़ी मिली है। अभी तक पढ़ने की आदत नहीं छोड़ी क्या? जवाब मिल गया, आधा ही पढ़ा हूँ और थोड़ा बाकी है। तुझे तो पढ़ना ही नहीं आता है ना, इसे लेकर क्या करेगा है? मैं भी जोड़ जोड़ कर पढ़ लेता हूँ भाई। मेरे साथ रहना है क्या, आधा दिन तू गाड़ी चला ले। अरे हाँ तो बोलना। हाँ यार।